वैक्सीन की अहमियत, कैसे उनको अचानक ये विजडम उनका जागा और कैसे समझ में आ गई, वो बयान सुनाते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव से वाकई किसी को ये उम्मीद नहीं थी। इतने बड़े राज्य के मुखिया रह चुके हैं, अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं, ये माना जाता है कि वो चीज़ों की अहमियत समझते हैं। और हल्की बयानबाजी अखिलेश यादव से कभी ऐसी सुनने को नहीं मिली थी जितनी हल्की उन्होंने कल बयानबाजी की। सुनिए क्या कहा उन्होंने। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाई उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा। तो देखिए, जब विवादित बयान देना था तब तो बहुत खुलकर अखिलेश यादव ने कहा, लेकिन जब सफाई देने का मौका आया तो उन्होंने ट्विटर का सहारा लिया और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि यहाँ पर बीजेपी के प्रति हम आभारी नहीं हैं, वैज्ञानिकों के प्रति आभारी हैं। और कोरोना के टीकाकरण को लेकर जिस तरह से उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिस पर उनके ऊपर सवाल उठने लग गए, तो उन्होंने अपनी सफाई में ये ट्वीट करते हुए लिखा कि ये बीजेपी को इसका वो नहीं जाता क्रेडिट, उसका क्रेडिट जाता है हमारे देश के वैज्ञानिकों को, और हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर भरोसा है। भाजपा की ताली थाली वाली अवैज्ञानिक सोच और भाजपा की सरकार वैक्सीन लगवाने की चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। तो ये देखिए, अब आइए आपको सुनाते हैं सपा MLC आशुतोष सिन्हा का वो बयान जिस पर DCGI की एक बेहद कड़ी प्रतिक्रिया आई है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीज़ें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो बताइए, ये सपा के MLC हैं, ये जनप्रतिनिधि हैं, इनको लोग इसलिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं ताकि उनके भले के लिए काम करें। क्या बयान दे रहे हैं आपने सुना, इस पर बात करेंगे। लेकिन कोरोना वैक्सीन पर सपा नेता के बयान पर DCGI की कड़ी प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने इस नपुंसकता की बात को बकवास करार दिया है। सुनिए। सर, इसका साइड इफेक्ट्स भी बहुत बताए जा रहे हैं, सर ये सही है क्या? ना 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 ना, साइड इफेक्ट है। देखो, एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए, किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा, तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है सर, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 100 साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर, लोग ये कह रहे कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही, तो देखिए ये तो बकवास है। नदीमुद्दीन जी, आपको क्या लगता है ये बकवास क्यों की इन्होंने, और ये सुअर की चर्बी या गाय का खून, आप मानते हैं ये बात इसमें होनी चाहिए? देखिए, मैं ये कहता हूं कि अगर कोरोना इतनी महामारी है तो अभी तक जो लोग 98% टूर्नामेंट के आंकड़े में लोग ठीक हो रहे हैं, तो वैक्सीन नहीं है तो कैसे ठीक हो रहे हैं? कहां से दवा आ रही? हमारे प्रधानमंत्री से लेकर के सर, वैक्सीन और दवा का अंतर मालूम है आपको? नदीमुद्दीन जी, वैक्सीन और दवा का अंतर मालूम है आपको? टीका और दवा किस लिए होता है? सुनिए, पहले पूरी बात तो आप सुनिए ना। मैं कहता हूँ कि ये वैक्सीन कितने लोगों पर ट्रायल किया गया। मैं कहता हूँ अगर वाकई में वैक्सीन कामयाब है तो पहले प्रधानमंत्री पर लगाया जाए, अमित शाह पे लगाया जाए, पूरे कैबिनेट पर लगाया जाए, पूरे मुख्यमंत्री पर लगाया जाए, गवर्नर पर लगाया जाए, राष्ट्रपति पर लगाया जाए, पूरे VIP पर लगाया जाए। वैज्ञानिकों की बात पर भरोसा नहीं है? आप प्रधानमंत्री पर ट्रायल करना चाहते हैं? आपको वैज्ञानिकों की बात पर भरोसा नहीं है जो इस वैक्सीन को बना रहे हैं? आपको उन लोगों पर भरोसा नहीं है जिन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर इस वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लिया? लाइव एग्जांपल आपके सामने हमारे रिपोर्टर खड़े हैं जिन्होंने 3 महीने पहले इस वैक्सीन की डोज ली, आज आपके साथ एकदम उसी हेल्दी कंडीशन में बात कर रहे हैं। आपको वो बात नहीं समझ में आती? आपको मोदी जी को लगवा के टेस्ट करवानी है वैक्सीन? बहुत सारे लोगों ने कहा कि फीवर है, कफ आ रहा है, बहुत सारे लोग साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो जब तक कितने लोगों, अरे कौन लोग आपसे साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं? DCGI ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि माइल्ड साइड इफेक्ट में हल्का सा आपको फीवर सर्दी अगर होता है तो उसकी तैयारी है, लेकिन 100% सेफ है। आपको देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा है या नहीं, बताइए? आप या आपके पास डिग्री हो तो आप बता दीजिए, मेरे पास डिग्री है और मैं अपनी कसौटी पर कसता हूँ। देखिए, देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा है,
लेकिन भाजपा जिस जल्दबाजी से, अरे तो बीजेपी के हेडक्वार्टर में वैक्सीन बनी है क्या? नहीं, इसरो की अगर कामयाबी है तो भाजपा के क्वार्टर से कामयाबी। कौन कह रहा बीजेपी की कामयाबी इसको? कौन कह रहा बीजेपी की कामयाबी? मैंने मनीष शुक्ला को, मैंने मनीष शुक्ला जी को बधाई दी क्या कि आपने वैक्सीन बना ली? या मैंने वीएचपी के जो यहाँ तिवारी जी बैठे हैं इनको बोला कि आपने टीका इजाद कर लिया? सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो भाजपा कामयाबी लेती है। अरे कहाँ सर्जिकल स्ट्राइक पे चले गए नदीमुद्दीन साहब? ये देखिए, आप जैसे लोग ही ना इस लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। आप जैसे लोग इस लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। कमजोर नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ कि जब तक वीआईपी पे लगाओ देखेंगे सफल कितना होता है, तो जनता को लगाने दीजिए। बिल्कुल लगेगी, उनको भी लगेगी और वो भी सामने आएगा। लेकिन आज वैक्सीन अगर बन गई है तो कम से कम खुले मन से स्वीकार तो कीजिए। मनीष बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? मनीष बताइए, पहले उनको लगाइए। स्कॉलर के रूप में बैठा है, कम से कम स्कॉलर शब्द यानी विद्वान शब्द की महिमा को मत खत्म कराइए। ये इनको वैक्सीनेशन और मेडिसिन का अंतर नहीं पता है, और अभी आज अभी लगना नहीं शुरू हुआ ही कह रहे साइड इफेक्ट हो रहा है, लोग बता रहे हैं। आप कुमार कुंदन को दिखाया, कुमार कुंदन ने लाइव बताया कि 3 महीने पहले उनको लगी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं मानने को तैयार है बिना वैक्सीन लगे। कुछ लोग बता रहे हैं कि इसके साइड इफेक्ट होंगे। एक आशुतोष जी का आपने बयान चलाया कि वो नपुंसक हो जाएंगे। हमने ये नहीं कहा, और अगर कहा कि आप लगवाइए, आप अगर अच्छे समझते हो आप लगवाइए ना, मतलब आप क्यों नहीं लगवा रहे? ये इस्लाम, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, पूरे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अगर ये इस्लामिक स्कॉलर है, इस्लाम के पंडित है, इस्लाम के विद्वान है। देखिए जो लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे हैं। जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ देश बढ़ा है। अच्छा, मुझे 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 एक बात का जवाब दीजिए नदीमुद्दीन साहब, एक बात का जवाब दीजिए। फिर वो जो देवबंद कह रहा है कि इस वैक्सीन को लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है, जो इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हैं कि इस वैक्सीन को लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप उनकी बात भी नहीं मान रहे हैं? मैं कब कह रहा हूँ कि वैक्सीन मत लगवाइए? मैं कह रहा हूँ कि कितना सफल होगा। आप तो सवाल उठा रहे हैं ना इस पर। मैं ये कह रहा हूँ कि वीआईपी पहले लगवाइए ताकि मालूम तो हो किसका सफल कितना हो रहा। अरे तो वीआईपी की बायोलॉजी क्या आम आदमी की बायोलॉजी से अलग है क्या? जिन 13,000 लोगों ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लिया, उनके अंदर क्या अलग अंग है? उनकी क्या प्राणवायु अलग है और वीआईपी की प्राणवायु अलग है क्या? अच्छा, आपके भी दो आंखें, दो कान, एक नाक, एक दिल, यही तो होगा ना? या मोदी जी के लिए स्पेशल बन के आया कुछ कहीं से? मैं कह रहा हूँ डेमोक्रेसी में डिबेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? किस बात पर डिबेट करना चाहते हैं? किस बात पर डिबेट करना चाहते हैं आप? डिबेट होना चाहिए। किस बात पर? किस बात पर डिबेट करना चाहते हैं? अगर हम कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई वैक्सीन लेते हैं तो कई कंपनियों से पूछते हैं। नदीमुद्दीन साहब, आप कभी बीमार नहीं पड़े क्या? और जब भी बीमार पड़े तो क्या आपने इस कंपनी से पूछा कि ये आपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को दवा खिला के चेक की है, तब आपने दवा ली है क्या? हमेशा देखिए, वो सारी दवाइयां पहले लोगों पर यूज हो चुकी हैं। तो ये वैक्सीन भी तो ट्रायल हो चुकी है, होने दीजिए और सफल होने दीजिए। मैं वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं, मगर कहता हूं आप कंफ्यूज हैं सर। सर आप कंफ्यूज हैं क्योंकि केवल विरोध करना है इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं आप, क्योंकि केवल आपको खिलाफत करनी है इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। आपको खुद नहीं पता कि आप बोल क्या रहे हैं, आपको नहीं पता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।